अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? खेरे गार्डियन गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। खुश हो जाओ, ये मूवी अच्छी है। इसके ऊपर अगर बात करें तो ये आता है कि पीटर गमोरा को खोने के बाद गम का शिकार हो चुका है, उसकी जो टीम है वो उसे संभालती है और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ये मूवी को तुम फील करो, इसे देखो, इसे एक्सप्लेन करने में वो मज़ा नहीं है जो उसको फील करने में, इसको देख के ये मूवी असल में तुम कह सकते हो एक एक्सपीरियंस है। ये सारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो सब देखने में मज़ा आता है। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के अंदर एक आखिरी मूवी, इसके बाद वो डीसी के जाके हेड बन गए, जैसे मार्वल में केविन फैगी हैं। तो ये जो एक आखिरी मूवी इनकी तरफ से थी वो काफ़ी स्पेशल लगी। मूवी बहुत ही खूबसूरत है, मूवी की एंडिंग बहुत ही प्यारी है। ये मूवी जिस तरीके से स्टार्ट होती है और एंडिंग तक जिस टोन में लेके चली जाती है, या बीच में जो मोड्स हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरीके का स्विच वगैरह आ जाता है, क्या ये एक ऐसी मूवी है कि तुम सारे एक्सप्रेशंस को, अपने सारे इमोशंस को इस मूवी के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हो कि हाँ भाई, मूवी में शुरू में इन्जॉय कर रहे थे, बीच में सेंटी हो गए, मूवी के एंड में क्लाइमेक्स के टाइम पे एक अलग ही फीलिंग डेवलप हो जाती है, टाइम पास हो जाना चाहिए, और ये उसी में से एक है। मूवी की एंडिंग के ऊपर बात करो तो ये आता है कि मूवी की एंडिंग तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब कि दिल छू लेती है। इसी से रिलेटेड अगर दूसरी बात करें तो ये आता है कि विजुअल स्टाइल्स ओरिजिनल है, और वो चीज़ देखने में पसंद आई कि हाँ भाई, विजुअल स्टाइल्स कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो वो कहीं ना कहीं वो तुम कह सकते हो एक पर्सनल अपना जो उनका मोटिव था या पर्सनल टच जो देने की कोशिश करी, वो सब देखने में मज़ा आता है। और तुम कह सकते हो हाँ, गार्डियन गैलेक्सी ये एक तीसरा पार्ट था, और यकीन करो ये एक परफेक्ट गार्डियंस मूवी है। जाएंगे कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें तो रॉकेट मेन कहानी उसी के ऊपर है, उसकी प्रॉपर पूरी जर्नी हमें देखने को मिल रही है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं टच करा देती है। हमारे लिए तो मेन कैरेक्टर यही था कि हमारी गमोरा, ड्रैक्स और स्टार लॉर्ड और हमारा रॉकेट, लेकिन रॉकेट से आगे जो हमें उसके पास्ट में कनेक्शन देखने मिलते हैं, उसके दोस्त, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छे थे। जिसे पता है ये एक परफेक्ट गार्डियंस मूवी होने के साथ जो हमें इसमें एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है वो ये है कि एडम वॉरलॉक, वो इस मूवी के अंदर हमें नज़र आता है, लेकिन वो यकीन करो मुझे पसंद नहीं आया। सिर्फ उसका एक सीन पसंद आया जो कि मुझे अच्छा लगा, पीटर व्हील को बचाने वाला, वो मूवी के एंड में वो सीन कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो हिट कर जाता है। उसका कैरेक्टर इस तरीके का दिखाया गया तो तुम कह सकते हो हाँ, वो पसंद नहीं आता। हाँ, मैं तुम्हें एक आखिरी बात बोलूँ, वो ये है कि तुम्हें पता है ये मूवी जेम्सन की तरफ से एक आखिरी गुड बाय था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने अगर देख ली थी तुम्हें कैसी लगी थी, तुम इमोशनल हुए थे, यकीन करो मैं तो हो गया था। इसलिए कमेंट सेक्शन में बताओ। इस ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब, मुझसे पसंद मिलना, मैं यहाँ मिल जाऊँगा। तब तक देखते रहो महसूस, प्लीज़ अल्लाह हाफ़िज़।